अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही एशिया कप में, सब जानते हैं। अब वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो जाएगा ACC के इजलास में, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, तब वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेगा। इंडिया के बोर्ड के सरबराह जो है और ACC के सदर भी है जय शाह, उनसे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से ICC की मीटिंग के अंदर भी जाना चाहता है और उसके अंदर ICC के सामने मुद्दा रखना चाहता है कि पाकिस्तान अब इंडिया नहीं जाएगा। क्या वजूहत है, असल खबर क्या है, पूरी डिटेल सामने आ गई है। कुछ जराए भी अंदर से बताते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारी कर चुका है। ये खबर सुन लें, उसके बाद आपको दीगर खबरें बताऊंगा। वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की भारत रवानगी को एशिया कप के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद से मशरूत किया जा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तैयारी करके जाएगा इजलास में। ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 3 रुकनी टीम 17 मार्च को दुबई जाएगी और PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जो है नजम सेठी, उनके साथ 2 बंदे और जाएंगे। उनमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और फैसल हसनैन शामिल हैं जो इन इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अब इजलास के अंदर मौकिफ क्या इख्तियार किया जाएगा, क्या मुद्दा रखा जाएगा। 20 मार्च को शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में दूसरे इश्यूज तो हैं, लेकिन उसमें वनडे में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के मामले पर बहस की जाएगी। और ये बताना है PCB हुकाम की जानिब से, कुछ जरा ये बताते हैं। सोर्सेज ये बताती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बार सख्त मौकिफ अपनाएगा और ये कहा जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। जैसे एशिया कप के मैचेस जो है वो UAE में मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं और हम इस बारे में कुछ कर भी रहे हैं, और इंडिया के मैचेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुबई या फिर UAE के किसी मुल्क के अंदर कर सकता है। तो अब वर्ल्ड कप के अंदर भी ICC जो है वो इंडिया के जो मैचेस, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो इंडिया में नहीं, किसी और मुल्क के अंदर, यानी कि UAE के अंदर। बिल्कुल ऐसा आमने सामने का फासला है। जैसे इंडिया के अंदर आप सफर कर रहे हैं वैसे ही आप UAE भी जा सकते हैं, इतने ज्यादा नजदीक का फासला है। तो पाकिस्तान ये मुद्दा उठाएगा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे वर्ल्ड कप को मुतासिर नहीं करना चाहते, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, इसलिए हम इसके लिए मौकिफ अपनाएंगे कि हमको UAE में मैचेस खिलवाए जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉयकॉट ICC इवेंट का नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तानी टीम भारत रवानगी का मामला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि ICC का इवेंट है, पाकिस्तान मना नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता है, लेकिन कुछ शरायत रखना चाहता है और उसके ऊपर काम भी हो सकता है। वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप की मेजबानी के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने जो ऐलान किया था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आएगी और एशिया कप ही मुंतकिल कर दिया जाएगा UAE में। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं, जो सरबराह हैं, वो सब जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई आप कौन होते हो, किस तरह आपने हमारे इवेंट को आपने बाहर मुंतकिल कर दिया और सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से कर रहे हो, कोई लूप में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम जय शाह के इस यकतरफा फैसले पर सीखपा है, यही वजह है कि उन्होंने भी ICC इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लेने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। PCB हुकाम ICC इजलास में ये मुतालबा करेंगे अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है तो फिर हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो UAE के अंदर मुंतकिल किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस अब ICC के जो इवेंट के हैं वो भी इंडिया के अंदर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान अगर इंडिया एशिया कप के अंदर ऐसा रवैया रख सकता है तो पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के हवाले से भी एक सख्त मौकिफ सामने लाना चाहता है और इसके ऊपर ICC को ज़रूर गौर करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है कि हुकूमत की इजाज़त के बाद, हुकूमत के आला हुकाम से जब वो मुलाकात करेंगे तो इस बारे में ये भी फैसला हो सकता है कि हो सकता है वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट कर दिया जाए। और पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि क्यों ना हम इस मुद्दे को एक ही दफ़ा ख़त्म कर दें, और उसका एक ही नतीजा ये है कि वर्ल्ड कप का एक दफ़ा बॉयकॉट होगा, सब लोगों की नज़रें खुलेंगी, उसके बाद इस इशू को इशू समझा जाएगा। जब तक इस चीज़ को इशू नहीं समझा जाएगा ये मामला ऐसे ही टलता रहेगा। तो पाकिस्तान ने एक बहुत सख्त मौकिफ अपनाने की कोशिश की है और अपनाएगा भी, और इसका एंड ये हो सकता है अगर तमाम तर चीज़ों के बाद, सारी बातों के बाद, सारी कमिटमेंट के बाद, हर चीज़ के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो पाकिस्तान जो है वो अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड फेंकने की कोशिश करेगा और वो ये होगा कि पाकिस्तान इसका बॉयकॉट कर देगा। ICC के भी कान खड़े होंगे, इंडिया के भी कान खड़े होंगे और दुनिया के दीगर ममालिक, क्योंकि ICC और इंडिया मेज़बान हैं,
इंडिया मेजबानी कर रहा है और इवेंट है आईसीसी का, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो और सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों का होगा। और उसके बाद ये लोग सोचेंगे कि अब आईसीसी इवेंट के लिए क्या करना है, इंडिया के अंदर अगर हो रहा है और पाकिस्तान नहीं जाएगा, इवेंट बिल्कुल फीका सा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इवेंट करवाने का। पाकिस्तान की और इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान की जितनी अहमियत है उसको उजागर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए दीगर ममालिक जो है वो भी इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि इस बार ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है तकरीबन पिछले 15-20 साल से इसी तरह की कोशिशें कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा। अब इंडिया को समझाएं कैसे, हर तरह की बातचीत करने के बाद भी अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसका नतीजा क्या होना चाहिए। आप इंडियंस बताएं क्या इसका हल होना चाहिए, इस मुद्दे का हल क्या होना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो सियासत से अलग हो और उसके लिए तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के घर आए जाएं और सियासत और मुल्क के ताल्लुकात जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये चीज़ कब से इंडिया को हम समझाए जा रहे हैं लेकिन इंडिया समझ के नहीं दे रहा। अब इसके बारे में कोई हतमी फैसला करने की कोशिश की जा रही है। आप इंडियंस क्या समझते हैं, क्या ये मुद्दा जो है, ये मामला जो है ये बगैर इस तरह हल हो सकता है या कोई और तरीका है इसके हल होने का, ज़रा बताइएगा। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारी कर रहा है आने से पहले, जाने से पहले जो मीटिंग होगी उसके ऊपर जाने से पहले भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये मुद्दा अपनाएगा कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड कप के बल्कि यूएई के अंदर मुंतकिल किए जाएं। किस हद तक आप इस बात से मुत्तफिक हैं, क्या नजफ सिटी साहब सही प्लानिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान ये अपना मुद्दा जो है सही मानों में दुनिया के सामने रखना चाह रहा है, सही है या गलत, तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो भी आपकी सोच है कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।